आज अभी जो शाम के टाइम 8:10 या 20 मिनट के टाइम पे यहाँ पर जो सोफे का फोम और जो भी लिक्विड्स उसमें रहता है वहाँ पहला फायर स्टार्ट हुआ। होने के बाद आजू बाजू में दो बड़ा फर्नीचर का शोरूम्स है उसमें भी आग लग गया। वो एक 5-10 मिनट के अंदर इतना फैल गई फायर, आगे जैसो ऑटो जल गया, बुलेट जल गया। अभी किस्मत की बात यह है जान की नुकसान नहीं हुआ, अभी जो भी सामान की नुकसान हुआ। बड़ा दो फर्नीचर शोरूम है, पूरा नया स्टॉक है बोल रहे, पूरा दो फर्नीचर सब कंप्लीट जल गए, दीवारें गिर गए। नुकसान की अभी फायर डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर, जो भी नज़दीक है सब पूरा फायर इंजन यहाँ पर है, पूरा हमारा शमशाबाद जोन की पुलिस भी यहाँ पर है, पूरा यहाँ पर अभी माहौल कंट्रोल में है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शंस का जो वायरा बहुत थे, आप देख रहे सामने भी फायर कहाँ स्टार्ट हुआ बोल नहीं सक रहे, कोई शॉर्ट सर्किट बोल रहे, कोई पहला ये जो सोफे का बनता वहाँ पर फोम गिनता वहाँ पर जो लिक्विड्स रहता है उसमें आग स्टार्ट हुआ बोल रहे। जो भी हुआ अभी हकीकत इन्वेस्टिगेशन में सब मालूम हो जाएगा। अभी फायरवुड डिपार्टमेंट वाले से भी हम ओपिनियन लेते हैं, वो कार्रवाई चलते रहेगा। अभी कंप्लेंट ले रहे, केस रजिस्टर कर रहे इसके ऊपर। सबसे मैं ये जब फायर एक्सीडेंट हुए तो लोग जो भी है समझ सकना, आजू बाजू वाले घर भी शिफ्ट कराए, आप देख रहे हैं पूरा घरों को शिफ्ट करवाए, सिलेंडर आ रहे थे, बहुत गर्मी की वजह से वो फूटने का भी चांसेस रहता बोल के सबको पहला लोगों को वैकेट करवाया 4-5 बिल्डिंग में। उसके पीछे भी फर्नीचर का कारखाना है और पेंट्स का दुकान भी है और किराना भी शॉप्स है। तो सब देख रहे हैं फायर इंजन आए, फायर को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी हकीकत पूरा फायर कंट्रोल में आ गया। आज शाम 8:05 आग लगने की जो चला वहाँ पर लोगों की सलाह मिली, जैसे में सलाह मिली मैं अपने सुबह यहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने बाद मालूम हुआ कि फोन की दुकान थी इसका जो है शुरू हुआ आज, और आज से 4 दुकानें और लपेटे में आई जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। फर्नीचर की भी दुकान थी जो पुराने फर्नीचर दिए इसकी वजह से काफ़ी बड़ा जो है नुकसान हुआ है, और आज जल्द से जल्द फैल गई। और इसी के साथ जो फायर इंजन को भी इतला दी गई, फायर इंजन की इतला देने के बाद डीसीपी साहब को भी इतला दी गई, डीसीपी साहब भी वक्त पर पहुँच गए, और डीसीपी साहब अभी जो कोई दुकान में थोड़ा पहुँच गया और फायर इंजन भी काफ़ी आए हैं, इसकी वजह से जल्द आग को काबू कर लिए हैं। और मैं वो तो मकाम आज का दर्श साहब को भी इतला दिया हूँ और मिर्जा मनोज साहब भी इतला दिया हूँ। उसके बाद जो है मैं इमीडिएटली जो है और हमारे साहब से बात किया हूँ, कल हमारे साहब सुबह में जो है 11 बजे आने का वादा किए, इंशाल्लाह ताला मैं जो है हमारे साहब के साथ पूरा विजिट करके किस किसका क्या क्या नुकसान हुआ है हम वो पूरा जो है उसका जायज़ा लेने लगाएंगे हमारे साहब के साथ। तो जो भी उसका नुकसान होगा हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से जो भी हो सकता है उनको दिलाने के लिए इंशाल्लाह हम पूरी से पूरी मोहतरम अली जनाब दार साहब को बोल के और जो है गवर्नमेंट से हम बात करके इंशाल्लाह ताला इनका नुकसान जो है दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अंदाजा साहब ये कितने बजे ये हादसा पेश था? 8:05 पर जो है मेरे को इतला मिली के जो 8 बजे। ये कौन से एरिया में आता साहब? ये 12 इमाम के सामने है, ये कायम नगर के करीब में होता है।